हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून यू ऑल। आई होप आई एम विजिबल एंड माय ऑडियो इज आल्सो रीचेबल टू यू। एनीवन कैन रिप्लाई, कोई भी बता सकता है। वेट फॉर अ मिनट ताकि और लोग भी हमें ज्वाइन कर पाए। 20, 23, यस, लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, दैट्स ग्रेट। 29 कह रहे हैं, सो हम थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकें। तो जब तक और लोग इन्वॉल्व होते हैं थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर सकते हैं। आप देख सकते हो मेरा सेटअप, राइट? आई हैव अ प्रॉपर गैस रेंज, प्रेशर कुकर हम यूज़ करने वाले हैं आज। Apart from that, we have a saucepan, right? Then there are few ingredients जो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा। Okay? So थोड़ी देर और वेट करेंगे ताकि और लोग भी ज्वाइन कर पाए, ताकि एक बार हम इन्ग्रीडियंट डिस्कस करना शुरू करें तो आप सबको थोड़ा आइडिया लग जाए क्या क्या इन्ग्रीडियंट हम यूज़ कर रहे हैं, एंड एवरी वन वुड बी एबल टू रिलेट विद अवर सर, राइट? एंड दैट्स हाउ दे कैन मेक दिस ब्यूटिफुल रेसिपी। सो आज हम बनाएंगे मकबली वेज कीमा गलौटी कबाब, और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिश। काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने सुना होगा कबाब्स आर वेरी फेमस फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ से बहुत सारे कबाब्स हैं जो बहुत फेमस हैं, तो ये एक गलौटी कबाब है। बेसिकली इसको प्रोनाउंस किया जाता है गलावटी कबाब, नॉट गलौटी कबाब। एक गलावटी कबाब है, जो वर्ड निकला है गलावट से। गलावट मीन्स समथिंग विच कैन मेल्ट इन योर माउथ, जो सॉफ्ट हो, बहुत डेलिकेट हो और जो ईजिली मुंह में घुल जाए, तो उसका अल्टरनेट है वेज। हम बना रहे हैं आज, तो इट विल बी अ वेज डिश। वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ नॉन वेज गलौटी कबाब, तो उसका अल्टरनेट हम बना रहे हैं आज, मकबली वेज कीमा गलौटी कबाब। सो You can see few equipments I am using: a proper chopping board, wooden chopping board, green color chopping board, dusters, flat spoons are there, knife if required, right? और हमने अपना सारा मीज़ा properly कर रखा है, align कर रखा है, right? और gradually हम बहुत systematic way में ये recipe बनाएंगे, और I hope कि ये recipe आपको बहुत पसंद आएगी और surely आप इसको अपने घर में try करेंगे, right? एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल्सो, अगर आप जब इसे ट्राई करें तो आप फीडबैक ज़रूर दें इस चीज़ के बारे में, ठीक है? सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शोकेस वन ऑफ माई वेरी फेवरेट रेसिपी। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी, आई वुड से, टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, एंड सो दैट यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट एंड यू कैन मेक ऑफ दिस रेसिपी एट योर होम, राइट? It is very interesting, very simple, very easy to make. We have already done few basic things in advance, because आपको पता है जैसे live session है तो हर चीज़ हम बहुत detail में नहीं कर सकते। So कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको explain करूँगा easily, और कुछ चीज़ें हमने already करके रखी हैं, so that आपका ज़्यादा time ना लगे और ज़्यादा time आपको wait ना करना पड़े, right? Because ये एक हॉट कुकिंग रेसिपी होगी जहाँ पे गैस यूज़ होगी, फायर यूज़ होगी, और समहाउ हमें कई जगह पे टेम्परेचर को लोअर डाउन करना पड़ता है, उसके लिए हमें टाइम भी चाहिए होता है, राइट? सो दैट्स हाउ वी विल स्टार्ट अवर रेसिपी। सो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट से थोड़ा फेमिलराइज करा देता हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। सो दिस बेसिकली दिस डिश कंप्राइजेस फ्यू बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स, दैट इज सोया न्यूट्री। यू कैन सी दैट सोया न्यूट्री है। आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, आप ग्रैनुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, आप बड़े पीसेस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सोया के जो स्मॉल चंक्स होते हैं उसको यूज़ किया है। वी हैव केप्ट इट इन अ बॉइल्ड वाटर, हमने बॉइलिंग वाटर में इसे सोक किया है। अराउंड 3 से 4 घंटे बहुत है, उतना आप सोक करके रखिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इसे पानी से बाहर निकालें तो इसे अच्छे से स्क्वीज़ करें ताकि इसका जितना भी लिक्विड है वो निकल जाए। देखिए, अब मैं इसे दबा रहा हूँ तो इसमें से आई एम प्रेसिंग इट टू हार्डली, बट इसमें से ज़्यादा लिक्विड नहीं है,
राइट, सो इट इज क्वाइट ड्राई. तो ये हमारा सोया न्यूट्री है. अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर मेन इंग्रेडिएंट इज चना दाल. ये भी हमने सोख करके रखा है, बट ये गर्म पानी में सोख करने की जरूरत नहीं है, आप ठंडे पानी में भी सोख कर सकते हैं. राइट, तो ये हमारी सोख चना दाल है. राइट, सो वी आर टेकिंग अराउंड 180 ग्राम्स ऑफ सोया न्यूट्री एंड अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ चना दाल. उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, दोज बेसिक सीजनिंग इंग्रेडिएंट सॉल्ट, जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, वी हैव गरम मसाला, एंड फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर्स वी हैव सम वेजीज लाइक ग्रीन चिली, फ्रेशली चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड अनियन. राइट, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दीज इंग्रेडिएंट्स, इट विल बी डिस्कस लेटर ऑन. देन वी हैव गार्लिक, जिंजर, अनियन. इनका कोई स्पेसिफिक कट नहीं किया हमने क्योंकि हम इन्हें कुक करके ब्लेंड करने वाले हैं, सो इट इज एज सिंपल एज दैट. देन फ्रेशली स्क्वीज लेमन जूस, हमने स्क्वीज करके रखा हुआ है पहले से ही. राइट, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स. राइट, ऑयल वी आर गोइंग टू यूज एंड लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर और कलर के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स और थिंग्स विच वी आर गोइंग टू यूज. वी हैव अ कोल, राइट, इसको हम यूज करने वाले हैं. राइट, वी हैव कर्ड, सो कर्ड अगेन वी विल यूज. वी हैव सम टी बैग्स जो हम यूज करेंगे आगे, अ सीक्रेट टच और फाइनल टचअप देने के लिए हम यूज करेंगे. राइट, ओके, सो एंड इट इज ऑल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स वी आर गोइंग टू यूज. एंड अबाउट इक्विपमेंट्स आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हम यूज करने वाले हैं प्रेशर कुकर. राइट, इट इज क्वाइट बिग, सो यू कैन यूज इट वेरी नाइसली. देन सौते पैन. राइट, राइट, वी हैव डस्टर्स इज मस्ट, हमेशा आपका वर्किंग स्टेशन क्लीन रहना चाहिए. देन वुडन स्पून, ऑलवेज यूज नॉन स्टिकी पैन विद वुडन स्पून. देन नाइफ इफ रिक्वायर्ड, फ्लैट स्पून इट इज वेरी मस्ट. एंड देयर विल बी सम क्विक स्मॉल थिंग्स विच जो मैं करूँगा बीच में ड्यूरिंग द रेसिपी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. राइट, एंड आई टेक अराउंड 10-15 सेकेंड्स मोर एंड देन वी विल स्टार्ट द दिस पर्टिकुलर कुकिंग सेशन. ओके, सो once again I want to thank Amul for this opportunity. Myself Chef Surinder Singh Bist. Currently I am working with DBGI, that is Dev Bhumi Group of Institutions at Dehradun. So I will be thanking all my team partners for helping me in this particular thing. Now we are starting with the recipe. Firstly we will use this pressure cooker. Now, it is very simple to do that. You just need to add all the ingredients, most of the ingredients here, like soya nutri, just add into this. Okay. We have added soya nutri. Recipe name batao, recipe kya bana rahe ho? The recipe name is Makhmali Veg Keema Galoti Kebab. And basically it's a veg variation of galoti kebab. And it will be very very delicate and soft in terms of flavor. जब आप ये try करेंगे recipe, तो इसका flavor ही आपको बता देगा कि ये कितना soft और कितना delicate है, just like a normal galoti kebab. So we have added chana dal into it. Now we will add few in more ingredients for the flavors. Garlic. So garlic आप अपने हिसाब से use कर सकते हो. I am using 6 cloves. Then ginger. Little bit of ginger. Ginger is very strong. So आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको चाहिए. देन अनियन, अनियन हम डाल रहे हैं 1 फुल अनियन, मीडियम साइज अनियन वी आर पुटिंग हियर. राइट, अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस. लेमन जूस आप बाद में भी ऐड कर सकते हो कुकिंग के बाद, बिकॉज कई बार ये कहा जाता है कि लेमन को हम ज़्यादा कुक करें तो वो बिटर हो जाता है, तो इसीलिए हम उसे पहले से यूज़ कर रहे हैं. देन स्पाइसेस इज मस्ट, जीरा पाउडर. मैं बहुत बेसिक स्पाइसेस यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस स्पाइसेस आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट वी विल गेट अ बेसिक एंड वेरी नाइस फुल अर्दी फ्लेवर एंड अरोमा.
गैस ला दो, देन गरम मसाला, गरम मसाला ऑल्सो वी विल बी यूजिंग. ओके, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, यू जस्ट नीड टू मिक्स इट वंस. एंड आप सोच रहे होंगे इसमें आपकी लिक्विड कोई भी नहीं है, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू यूज अराउंड 130 ml ऑफ वाटर, राइट, जस्ट पोर इनटू दिस, नथिंग एल्स. नाउ द मिक्सचर इज रेडी, सो हम इसे बंद करेंगे ढक्कन को और अब इसे हम गैस पे रखेंगे. फ्लेम थोड़ी हाई रखनी है आपने स्टार्टिंग में, सो दैट एक बार सीटी बजती है, इसकी विसल आती है, उसके बाद हम इसे ओपन लिड करके थोड़ा कुक करेंगे, सो दैट इसका मॉइस्चर हो उसे हम उड़ा सकें, क्योंकि कम से कम मॉइस्चर रहेगा उतनी अच्छी बाइंडिंग रहेगी. तो बेसिक जो फ्लेवर रहेगा इसमें चना दाल का रहेगा, स्पाइसेस का रहेगा, वेजिटेबल्स का रहेगा, सोया न्यूट्री का मेन कॉम्पोनेंट है, उसका एक्स्ट्रा फ्लेवर रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट तो चना दाल होता है वो इस कबाब को बाइंडिंग देगा, राइट, एंड दैट्स हाउ इट विल बी वेरी वेरी सॉफ्ट एंड इट विल गेट अ प्रॉपर शेप, राइट. कई बार आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो उसकी बाइंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. इन दैट केस यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रोस्टेड चना दाल पाउडर, और आप अल्टरनेट भी यूज कर सकते हो, दैट कुड बी अ बेसन, बट आई वोंट सजेस्ट बेसन एज एन इंग्रेडिएंट, बिकॉज बेसन उसकी सॉफ्टनेस को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, राइट, उसकी सॉफ्टनेस को ख़राब करता है, और इस कबाब का जो मेन फ्लेवर है वो उसकी सॉफ्टनेस ही है, राइट. सो वी विल पुट दिस ऑन द गैस रेंज फॉर अराउंड 5 मिनट्स, उसके बाद हम ढक्कन हटा के इसे कुक करेंगे. ओके, बाय दैट टाइम वी आर मेकिंग अ क्विक डिप. उस डिप के लिए हमें सबसे पहले यूज करना है दही, सो आई एम पुटिंग अराउंड 3 tablespoons ऑफ कर्ड, लाइक दिस. यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर, देन हमने आप देख सकते हो ये रेडिश है, मूली, मूली को हमने ग्रेट कर रखा है और इसको हम इसमें ऐड करेंगे, राइट. इसको अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे, ठीक है, एंड देन वी विल ऐड इनटू दिस लाइक दिस. ओके, ये देखिए. ओके, एंड देन एक चीज़ और आपने करनी है एडिशनल फ्लेवर के लिए, हमने कुछ होल स्पाइसेस यहाँ पे, जैसे जीरा हो गया, जैसे फेनल हो गया, थोड़ा सा सिनेमन, हमने उसे ब्रॉयल करके उसे ग्राइंड किया हुआ है, राइट. सो वी कैन ऐड दीज थिंग्स एंड लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर ऑल्सो कैन बी एडेड, राइट. सो वी आर मिक्सिंग दोज थिंग्स एंड नाउ आई विल ऐड दीज स्पाइसेस हियर. इट इज़ टोटली अप टू योर टेस्ट व्हाट स्पाइसेस यू वांट टू ऐड इन, आप ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मेरे हिसाब से ये ब्लेंड बहुत अच्छा है. क्यूमिन पाउडर, फेनल पाउडर, सिनेमन एंड लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला कैन बी एडेड ऑल्सो, राइट. नाउ आई विल मिक्स इट. कैन बी यूज एज अ डिप. देखिए हमने बैलेंस जो बनाया है कर्ड का, स्पाइसेस का एंड रेडिश का, वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो और बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो मिक्सचर. इट शुड बी हैव अ डिपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी, ये देखिए, राइट. नाउ इट इज ऑलमोस्ट रेडी एंड एट द लास्ट वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस फॉर एक्स्ट्रा टेंजी फ्लेवर. Now mix it. Mix it and keep it in the refrigerator. अब इसको हम refrigerator में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, chill हो जाए और इसका flavor भी enhance हो जाए. Okay. On the other side, you can see that it is almost
हीट इट अप, वी आर जस्ट वेटिंग सो दैट एक बार विसल आ जाए. व्हाट अ टाइमिंग, देख रहे हैं आप, बोलते ही विसल आ गई है. प्रेशर कुकर भी हमारी बात सुनता है अगर हम दिल से कुकिंग करते हैं तो, राइट. सो नाउ वी विल लोअर डाउन द गैस रेंज. आप देख सकते हैं ड्राई हो गया मिक्सर बहुत ज़्यादा और काफ़ी हद तक मिक्स हो गया, राइट. तो इसको हम थोड़ी देर और गैस के ऊपर बहुत लो फ्लेम पे, मेक श्योर इट शुड बी वेरी वेरी लो फ्लेम. अगर आप छोटा प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे दैट विल आल्सो बी गुड, राइट. सो इसको हम ठंडा कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है. तो ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कितना ड्राई हो चुका है, राइट. तो इसको अब हम थोड़ी देर ठंडा करके और फिर हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, राइट. और बहुत स्मूथ सा ग्राइंड करेंगे सो दैट इसमें कोई भी लम्स ना हो, कोई चंक्स बड़े ना हो. इट शुड बी ग्रेजुअली यूज. कुछ अल्टरनेट्स आप यूज कर सकते हैं. आप जैसे मैंने जिंजर यूज किया है, जिंजर गार्लिक यूज किया था, आप जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज कर सकते हैं, राइट. And you need to identify the temperature of that gas range because अगर आप बहुत ज़्यादा high temperature करेंगे तो there are chances कि ये bottom पे जल जाए because पानी का content बहुत कम है. The water content is very less, that is 130 ml around. So the water content is very less. So you always make sure that the temperature should be monitored properly, right? अगर आपको लगता है कि ड्राई हो गया है, बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, तो आपको जरूरत नहीं है उसे और ज़्यादा कुक करने की, ठीक है. देर इज वन वेरी फेमस कोटेशन सेट बाय अ फ्रेंच शेफ. उन्होंने कहा था, नन ऑफ द रेसिपी इज कंप्लीट, इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द शेफ एंड द स्किल ऑफ द शेफ विच मेक्स इट परफेक्ट. मतलब कोई भी रेसिपी, लिखी हुई रेसिपी कभी परफेक्ट नहीं होती है, वो आपका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज से परफेक्ट बनाती है. ओके, सो दैट्स हाउ यू शुड ऑलवेज
डोइंग इट राइट। सो अब इसे हम ग्राइंड के लिए भेज देते हैं। थोड़ी देर ज़्यादा इसे ठंडा करिएगा आप, बट हमने ये मिक्सचर ऑलवेज रेडी कर रखा था ऑलरेडी, थोड़ा सा रेडी करके रखा था, सो दैट बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इसे हम 20 मिनट ठंडा करें या आधा घंटा ठंडा करें, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। एंड मैं चाहता था कि ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, इसीलिए मैंने ये रेसिपी चुनी बेसिकली राइट। सो इट इज़ ड्राई, सो आई एम गिविंग इट फॉर द ग्राइंडिंग प्रोसेस राइट। ओके, सो आई एम पुटिंग दिस मिक्सचर ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए कितना कैसा पेस्ट है, बिल्कुल इट इज जस्ट लाइक अ पेस्ट राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट द ग्राइंडिंग शुड बी प्रॉपर। आप बड़े कंटेनर में ना करें, छोटे कंटेनर में करें, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके करें, बट ऑलवेज मेक श्योर कि इट शुड बी कोल्ड। अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपकी मिक्सी भी खराब हो सकती है और फ्लेवर नहीं आ पाएगा हीट के साथ राइट। सो दैट्स हाउ, एंड इवन द अरोमा इज कमिंग आउट सो नाइसली, वेरी नाइस फ्लेवर ऑफ क्यूमिन एंड गरम मसाला, एंड इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, द फ्लेवर इज कमिंग आउट वेरी नाइसली राइट। सो होपफुली आपकी रेसिपी ट्राई करेंगे फिर। सो नाउ इट्स टाइम टू मिक्स इट प्रॉपरली। आई विल ऐड फ्यू मोर इन्ग्रीडियंट जो हमने पहले ऐड नहीं किए थे, लाइक वी विल ऐड ग्रीन चिली फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। ये भी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं। अनियन चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड अनियन, बहुत रफली चॉप नहीं होने चाहिए, फाइनली चॉप होने चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक कबाब्स एंड कबाब्स में बहुत बड़े पीसेज नहीं होते हैं राइट। ये भी आपके फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रंचीनेस चाहते हैं राइट। जितना आप अनियन डालोगे उतना क्रंचीनेस कबाब में आएगा, सॉफ्टनेस तो है ही, क्रंचीनेस इससे मिलेगा। देन लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर लीव्स, फ्रेशली कोरिएंडर, चॉप कोरिएंडर राइट, आई एम एडिंग दैट इज इनफ। देन लास्ट चेरी ऑन द टॉप इज दिस रेड चिली पाउडर राइट, वेरी नाइस। ओके, सो नाउ आई विल मिक्स इट। राइट, इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए। नाउ इट इज मिक्स्ड, ओके, यस इट इज मिक्स्ड। ओके, सो आई वुड बी रिक्वायरिंग अ प्लेट, सो दिस इज द प्लेट, लेट मी रिमूव द एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स फ्रॉम हियर, जिसकी जरूरत नहीं है वो हटा देते हैं हम राइट। ओके ओके, बाय द टाइम आई विल मेक दिस द टिक्की ऑफ दीज कबाब्स, दिस वॉज द सीक्रेट इन्ग्रीडियंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब जो हम कबाब बनाएंगे, जो हम बना रहे हैं मकफली वेज कीमा गलौटी कबाब, उसमें हम स्मोकी फ्लेवर भी एड ऑन करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू राइट। बट इट ऑलवेज गिव अ एक्स्ट्रा फ्लेवर, और स्मोकी फ्लेवर इज ऑलवेज माई फेवरेट, सो आई विल गिव अ टच ऑफ स्मोकी फ्लेवर इनटू इट राइट। सो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। जब तक हम इसकी टिक्की बनाएंगे तब तक हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन कीप दिस कोल ऑन द गैस लाइक दिस, सो दैट इट विल बर्न अ लिटिल बिट। ओके, थोड़ा डेंजरस है बट आप ध्यान से कीजिएगा राइट। ओके, सो बाय दैट टाइम वी विल मेक टिक्की राइट। सबसे पहले आपने इसे प्रेस करना है ताकि इसमें कोई भी एयर स्पेस ना रह जाए, ठीक है। कुछ नहीं लगाना आपने, कोई ऑयल नहीं, कोई पानी नहीं राइट। इसको अच्छे से प्रेस कीजिए एंड देन मेक अ राउंड एंड
शुड प्रेस इट प्रॉपरली, देन जितने भी किनारे हैं उसके, उसको थोड़ा सा अच्छे से बाइंड कर लीजिए एंड मेक श्योर कि सब सारी जो टिक्की आप बनाएं इसकी शेप दें वो इक्वल होनी चाहिए। तो इट्स बेटर कि एक ही जना वो बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। फोन लाइक दिस प्रेस, जेंटल प्रेस, गिव अ नाइस जेंटल प्रेस, जोर से गिव अ नाइस शेप लाइक दिस। जितने भी इसके होल्स खुले हैं, पोर्स खुले हैं, उसको आप क्लोज कर लीजिए राइट लाइक दिस। ओके, बीच बीच में हम अपना कोला भी देख लेते हैं कि जल रहा है नहीं जल रहा है, फ्लेम भी ज़्यादा कर सकते हैं, उसको तेज चला लीजिए। अब थोड़ा सा सेफ रहिए बिकॉज टिल द टाइम यू आर सेफ यू कैन मेक एन नंबर ऑफ डिशेज। सो किचन में बोला जाता है कि आपकी सेफ्टी फर्स्ट है राइट, बिकॉज किचन में हम बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, स्पेशली यू कैन सी दैट राइट। सो नाइस शेप, आई एम मेकिंग दीज राउंड वेरी स्लोली स्लोली सो दैट तब तक हमारा कोयला है वो अच्छे से सुलग जाए। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। आई होप यू आर लाइकिंग दिस रेसिपी। यस, शेफ रेसिपी रिपीट करो, रेसिपी रिपीट करो। कोई किसी ने भी जस्ट ज्वाइन किया? ओके, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा फिर से बताता हूँ आपको हमने कैसे रेसिपी बनाई थी। वी हैव स्टार्टेड विद न्यूट्री जिसको हमने बॉयल वाटर में सोक करके रखा था अराउंड 2 to 3 hours। उसको सोक करने के बाद हमने उसे उसको डाला प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हमने ऐड किया सोक्ड चना दाल, अनियन, जिंजर गार्लिक एंड सम बेसिक स्पाइसेस लाइक जीरा पाउडर, गरम मसाला एंड सॉल्ट, और थोड़ा सा हमने ऐड किया उसमें लेमन जूस राइट। लेमन जूस गिव फॉर टेंजी फ्लेवर राइट। फिर हमने उसे रखा प्रेशर कुकर को गैस रेंज पे 5 to 7 minutes हमने उसे विद लिड कुक किया जिसमें लिड लगा रखा था हमने राइट। और उसके बाद हमने उसे अराउंड 1 to 2 minutes विदाउट लिड कुक किया ताकि ड्राईनेस जितनी भी जितना भी लिक्विड है वो उड़ जाए और मिक्सचर हमारा ड्राई हो जाए राइट। फिर उसके बाद हमने उसे ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद हमारा मिक्सचर ऐसा बन गया राइट। इस मिक्सचर में हमने ऐड किया ग्रीन चिली, चॉप ग्रीन चिली, चॉप्ड अनियंस, कोरिएंडर, अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस अगेन एंड रेड चिली पाउडर, और उससे हमने ये मिक्सचर बनाया राइट। साइड बाय साइड हमने कोयला रखा है गैस के ऊपर ताकि ये थोड़ा स्मोकी हो जाए, और वी आर गोइंग टू गिव अ स्मोकी फ्लेवर हियर राइट। और ऑन द अदर साइड वी आर रेडी विद द टिक्कीज राइट, ये हमने बना लिया है, यू कैन सी दैट नाउ। अब हम अपनी दूसरी गैस रेंज ऑन कर लेते हैं, ये ऑलरेडी ऑन है तो पैन थोड़ा ज़्यादा गर्म है इस टाइम पे। सो वी आर गोइंग टू एड ऑयल इनटू इट,
नॉन स्टिकी पैन पे हैं तो ऑयल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होगी, राइट। मगर अगेन द टेम्परेचर ऑफ द पैन शुड बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड। ये टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी फ्लेवर को बाहर निकालने के लिए, राइट। तो वी विल मेक श्योर दैट वट एवर थिंग वी आर कुकिंग ऑन द गैस रेंज इट शुड बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से बहुत अच्छे से उसे मॉनिटर करना है हमने, ठीक है, राइट, लाइक दिस, ओके। तो जितना ऑयल आपको चाहिए उतना ले लो, बाकी आप निकाल सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। वी विल चेकिंग द टेम्परेचर नाउ। ग्रेजुअली वी विल पुट दीज स्टिकीज एट अ वेरी लो फ्लेम। बहुत लो फ्लेम पे आपको कुक करना है, फ्लेम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कोयला स्मोक कर गया है, जल गया है, सुलग गया है हल्का सा, राइट। तो आई एम पुटिंग इट लाइक दिस, ओके। इसको हम थोड़ा सा साइड दे देते हैं। इसको हम रखेंगे सेंटर में, यू कैन सी दैट, राइट। इसको हम रख रहे हैं सेंटर में, राइट। एंड वी विल पोर द टी ओवर दिस। Along with of butter oil in this and just close it. Sure. Better. इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है आपने, बिकॉज जो मॉइस्चर आ रहा है वो उसको सॉगी कर सकता है प्रोडक्ट को, राइट। इन कबाब्स को वो सॉगी कर सकता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा देर तक क्लोज नहीं करना है। वी विल कीप इट लाइक दिस फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मैक्सिमम 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। यू सी द अरोमा, यू कैन सी द स्मोकी फ्लेवर कमिंग आउट एंड दिस फ्लेवर विल गिव एड ऑन टू योर कबाब्स। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चाय पत्ती यूज़ करें, आप कोई और लीव्स भी यूज़ कर सकते हो। आप एनी स्पाइसेस कैन बी यूज, सिनेमन हो गया, क्यूमिन हो गया, राइट। दीज स्पाइसेस कैन बी यूज, इवन यू कैन यूज फ्लेवर्ड वुड। फ्लेवर्ड वुड की बहुत सारी वराइटीज़ आती है जो पास्ट में यूज़ हुआ करती थी तंदूर में, बट नाउ डेज एज इट इज़ क्वाइट कॉस्टली एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑल्सो, तो हम यहाँ पे स्मोकी फ्लेवर दे रहे हैं। नाउ ऑन द अदर साइड यू नीड टू फ्लिप द टिक्कीज। नाउ यू कैन सी द कलर, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, isn't it? Now you can see the color, very nice. और आपने notice किया होगा ये टूटी भी नहीं है, right? Because इतनी softness के साथ ज़्यादातर chances रहते हैं कि जो आपका product है, जो कबाब है, वो flat हो जाता है या टूट जाता है, bind नहीं कर पाता है, right? And then you have to play with the temperature. आपने देखा होगा मैंने temperature बहुत low रखा था, बहुत low flame पे किया था, right? That's how you're giving your kebabs time to cook, right? Look at this, and I'll show you the softness also. It is not only that the kebabs are getting proper shapes. I'll show you the color as well. I'll show you the softness also, right? How soft they are. And that's why I'm saying this is my one of the best recipe, I would say. Okay, these things can be tried at home. थोड़ा सा इसमें हमारा oil content थोड़ा ज़्यादा रहता है, because the kebabs are totally they don't have moisture in it, so that's how they require little bit more
मॉइस्चर, जहाँ भी उन्हें मॉइस्चर मिलता है, इन टर्म्स ऑफ ऑयल, इन टर्म्स ऑफ घी, इन टर्म्स ऑफ बटर, बटर तो हम यूज़ नहीं करते हैं जनरली, बट वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। तो आप मिनिमम ऑयल के साथ भी इसे कुक कीजिए ताकि इसका प्रॉपर कलर आए और प्रॉपर कुकिंग भी हो जाए। इट इज नॉट येट, जो कबाब्स हैं ये इनका नाम ही गलौटी हमने इसे रखा है बिकॉज दे आर वेरी वेरी डेलीकेट, ओके, दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट एंड डेलीकेट एंड दैट्स हाउ द नेम इज गलौटी। नाउ इफ आई नीड टू शो यू द सॉफ्टनेस, लुक एट दिस, इट इज वेरी वेरी डेलीकेट, इवन आई कैनॉट होल्ड इट लाइक दिस, यू कैन सी दैट I cannot hold it like this for a long because it will broken apart. Okay? It is very very soft. It is very very soft. Believe me. And when you are going to follow this recipe, when you are going to make this recipe, आपको यकीन हो जाएगा कि ये कितनी soft है, right? Make sure कि इसमें आप चना दाल का content proper use करें, बहुत ज़्यादा overpowering ना रखें चने दाल को, otherwise वो binding ज़्यादा हो जाएगी तो flavor उतना loose हो जाएगा, moisture उतना ज़्यादा loose हो जाएगा, right? So always make sure the proportion, the ratio between the ingredients should be perfect. Then only you will get a perfect galotti kebab, veg keema galotti kebab. Okay? It is totally like a makmali one. Now, we will do the presentation part. Okay? Let me clear a little bit my working station. I'm particular about that. So you can see the plate. I have used it. I am using this plate, right? It gives a nice look. I have cut a few roundels of onion, right? Now, as it is a live session, so I cannot tell each and everything. This is a normal mint chutney. I have added mint into this, a little bit of coriander, ginger, garlic, lemon juice, curd, and my secret ingredient, that is apple. Apple is one of the very delicate ingredient which gives a nice flavor to the mint chutney. So you can use it or you can use your own recipe for making this mint chutney. You can see the thickness. The thickness should be proper. It should not be too watery. Right? So I am just pouring it. Right? I don't have any idea about the presentation right now. I am just putting it the way it is going. Okay? Now you can keep it like this. 1, 2, 3, 4. It's up to you. Okay, like this. Okay, now okay, so this is the second one. Now we have made that radish dip. We will put this dip here at the base. As a base you can use it like this, okay, like this. Okay, so we are just playing with the flavors. You can have these kebabs, which keema galotti kebabs, directly, or you can add on with some other flavors as well, right? I'm putting it like this. You can keep, oh, it is very soft. You can keep it like this. Okay? You can keep it like this. And last one. Okay? And with the topping, you can add a little bit of coriander, any other things can be used in this.
like this, and at the last we will use lemon. Okay, I'm putting lemon wedges. Always make sure it should be seedless. Or we can keep it like this. So this is for today. I hope you would like it. You will like it once you will try this at home. This is makhmali veg keema galotti kebab, and let me tell you, it is one of the very favorite recipe and very best recipe, I would say. You must try this at home, and I'm definitely sure that you will like it. You will love it rather. Okay. So best of luck. Thank you so much. Thank you Amul. Thank you everyone for supporting, for your love, and hopefully we will meet in future again and again, and I will be getting an option